A very good morning to all of you, Vijay. If any doubt is there from any of the questions that we did yesterday, otherwise we will start with exercise 3.2. Question number one we will start with. We are having find the values of 5 trigonometric functions. इन एक्सरसाइजेस 1 to 5. अब इसमें बच्चे आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि जो हम यहाँ पे कंसेप्ट लगाएंगे, जो हमने आइडेंटिटीज वगैरह की हैं या फॉर्मूले हमने 10th में किए थे, द सेम वी विल यूज ओवर हियर. इन द फर्स्ट क्वेश्चन वी आर गिवन cos x इज इक्वल टू -1/2 एंड x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट. x जो है वो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट. And we are to find the remaining 5 trigonometric जो आपकी functions हैं that we are to calculate. अब देखो cos x जो है वो आपका third quadrant में lie कर रहा है, इस वजह से ये हमें negative given है. cos x हमें given है तो we can easily find out secant x. We know that secant x is 1/cos x. So this is 1/-1/2, that is -2. Again since this is in the third quadrant, तो आपका जो secant है that you will take as negative. So yeah, हमने यहाँ पे negative. You can write down over here x lies in third. अब third quadrant अगर मैं वैसे देखूँ तो मैंने किया हुआ है, this is after school to college. यानी कि here tan and cot are positive. Third quadrant में हमने tan और cot की जो values हैं वो positive लेनी है, बाकी की जो चार में से एक हमें गिवन है, बाकी जो रिमेनिंग 3 हम पी रेशियोज लेंगे, दैट इज साइन कॉसेक एंड दिस कॉस सेकेंड. दिस ऑल 4 विल बी नेगेटिव. ओनली टेन एंड कॉट वी विल टेक एज पॉजिटिव वैल्यूज बिकॉज एक्स लाइज इन द थर्ड क्वार्टर. अब ये हमारे पास आ गया कॉस, आ गया सेकेंड, आ गया. इफ वी आर हैविंग द वैल्यू ऑफ कॉस, वी कैन इजिली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ साइन. हमने आइडेंटिटी की हुई है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स is equal to 1. यानी कि यहाँ से आ गया sin square x is equal to 1 minus cos square x. sin x is equal to plus minus root 1 minus cos square x. तो हम ये direct formula use करेंगे. यहाँ पे जो है हम sin x की value, क्योंकि आपका जो x है वो third quadrant में lie कर रहा है, तो positive वाली छोड़ के ये negative value हम लेके चलेंगे. यहाँ आप लिख दोगे using sin square x is equal to plus minus root 1 minus cos square x, or you can write down this identity also, sin square x plus cos square x is equal to 1, that is up to you. So hamare paas yahan se aa jayega, this is equal to plus minus root 1 minus cos hai mere paas -1/2, so this will be 1 minus -1/2 square, this is equal to plus minus root 1 minus 1/4, this is plus minus root 3/4 and sin x is equal to, अब क्योंकि मैं इसका जब रूट लेके वैल्यू लूंगी तो मुझे यहाँ पे क्या लेना है, -√3/2 बिकॉज x lies in third quadrant. थर्ड क्वाड्रेंट में होने के कारण हमने क्या किया, x की नेगेटिव वाली वैल्यू ले ली, पॉजिटिव वाली जो है उसको रिजेक्ट कर दिया. अदरवाइज पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज दोनों आ रही थी, बट सिंस इट इज इन द थर्ड क्वाड्रेंट सो वी हैव टेकन द नेगेटिव वैल्यू. अब साइन आ गया मेरे पास, तो आई कैन फाइंड आउट कॉसेक. कॉसेक इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन, सो दिस इज 1/-√3/2, दैट इज -2/√3. अगेन एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो हम नेगेटिव लेके चल रहे हैं. नाउ वी आर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन एंड कॉट. टेन इज साइन बाय कॉस, साइन एक्स है हमारा -√3/2 एंड कॉस एक्स है हमारा -1/2. नेगेटिव साइंस कैंसिल हो जाएंगे, डिवाइड बाय 2, दोनों डिनोमिनेटर में अपॉन 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो वी आर लेफ्ट विद √3. पॉजिटिव वैल्यू देखो ऑटोमेटिकली आ गई है, आपका एक्स जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, एज एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, सो टैन इज पॉजिटिव.
नेक्स्ट कॉट है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, कॉट एक्स इज इक्वल टू 1 बाय टेन एक्स, और यू कैन फाइंड इट आउट बाय कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स ऑल्सो. सो दिस इज 1 बाय रूट 3. तो 1 की रेशियो ये है, एक हमारी ये है, इसको हम री राइट कर लेते हैं. टेन एक्स इज इक्वल टू रूट 3. ये 6 आपकी जो वैल्यूज आएंगी इनको आप हाईलाइट कर देना. ये हमें गिवन थी, बाकी की 5 जो है ये हमने निकाल के यहाँ पे शो कर दी. मेन जो आपने इस चीज इसमें इन क्वेश्चंस में ध्यान रखना है दैट इज ऑफ द क्वाड्रेंट, कि एक्स आपका कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है. तो अकॉर्डिंगली आप उनके जो साइंस हैं वो आप लेके चलोगे. यहाँ का जो आपको साइन गिवन होगा दैट विल बी अकॉर्डिंग टू दिस क्वाड्रेंट ओनली. रेस्ट ऑफ द साइंस यू आर टू टेक योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वाड्रेंट. दोबारा देख लो इस क्वेश्चन को. हमें कॉस 1/2 गिवन था. वी आर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ रिमेनिंग 5t फंक्शंस. तो फर्स्ट कॉस का हमें पता है कि रेसिप्रोकल सीकेंट होता है, तो हमने सीकेंट x की वैल्यू निकाल ली इस वाली वैल्यू का रेसिप्रोकल लेके. -1/2 का रेसिप्रोकल इज -2. एज इट लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट तो सीकेंट भी आपका नेगेटिव आ गया. देन हमने फॉर्मूला यूज किया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1. तो यहाँ से हमारे पास साइन की वैल्यू आ रही है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों आ रही है, बट क्योंकि ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो हमने नेगेटिव वैल्यू ले ली रिजेक्टिंग द पॉजिटिव 1. साइन का उल्टा कॉसेक कर दिया, उसका रेसिप्रोकल ले लिया हमने. देन टेन हमें पता है दैट इज साइन बाय कॉस, तो ये आ गया. कॉट आपका टेन का रेसिप्रोकल है तो आपके पास ये आ गया. सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 1. आपके ये फर्स्ट 5 क्वेश्चंस ऐसे ही हैं. नाउ आई विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में देखो मुझे क्या गिवन है. कॉट की वैल्यू अब मुझे गिवन है. कॉट गिवन है तो कॉट का रेसिप्रोकल टेन हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं. आप चाहो तो इनको जो आप 10th में लगाते थे ट्राइंगल वाला लॉ लगाते थे कि ट्राइंगल लेके के रेशियो के साथ उसको लेके करते थे, आप वैसे भी कर सकते हो, बट आपको साइन जो है अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट लगाना पड़ेगा. तो दैट इज योर विश कि आप कौन से मेथड से करना चाहते हो. सेकंड क्वेश्चन यू विल ट्राई योरसेल्फ. थर्ड अब हम कर रहे हैं. इन दिस वी आर गिवन कॉट एक्स इज इक्वल टू 3/4 एंड एक्स लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट. अब अगेन एक्स जो है आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है तो कॉट आपको पॉजिटिव थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट एंड टैन बोथ आर पॉजिटिव, तो ये हमें पॉजिटिव गिवन है. अब मुझे क्योंकि कॉट गिवन है तो आई कैन फाइंड आउट टैन, उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे. दैट इज 4/3 पॉजिटिव आएगा. टैन और कॉट मुझे गिवन है तो आई कैन फाइंड आउट सेकेंट एक्स एंड कॉसेक एक्स. आई नो दैट कॉसेक स्क्वायर एक्स जो है दैट इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स एंड secant square x जो है that is 1 plus tan square x. तो यहाँ पे values put कर दी 1 plus 9/16 यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 plus 16/9 this is 25/9 25/16 यहाँ से अब हमारा जो cosec x आएगा that will be plus minus 5/4 square root ले लिया मैंने दोनों साइड पे, but since x lies in the third quadrant therefore cosec x is equal to minus 5/4 as x lies in third. same way में यहाँ हम लेके चलेंगे secant x is equal to 5/3 plus minus, but secant x is equal to minus 5/3 again as x lies in third quadrant. So hamare paas cosec aa gaya, we can find out sine that is minus 4/5. same reason aa jayega, negative leke chalna hai kyunki this lies in the third quadrant, aur isi tarike se cosec aa jayega aapka minus 3/5. So this is cos x, this is secant x, this is cosec x, sin x and here is tan x. So ye aapki panchon ki panchon values aa gayi hain. So if you are given 1 t ratio
तो वी कैन फाइंड आउट द अदर टी फाइव जो हमारी रिमेनिंग फंक्शंस होती हैं उनको हम यूजिंग जो हमने टेंथ में फॉर्मूले किए थे यूजिंग दैट वी कैन कैलकुलेट. अब क्वेश्चन नंबर फोर यू विल डू योर सेल्फ. क्वेश्चन नंबर फाइव आई एम डिस्कसिंग. वी आर गिवन टेन एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव बाई ट्वेल्व एंड वी आर टू फाइंड द रिमेनिंग टी रेशियोज और एक्स हमें गिवन है दैट लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट. एक्स जो है वो आपका सेकेंड क्वाड्रेंट लाई कर रहा है. तो अकॉर्डिंगली सेकेंड क्वाड्रेंट में आप साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव लेके चलोगे. बाकी अभी आपकी जितनी भी टी रेशियोज हैं टेन आपको ऑलरेडी नेगेटिव गिवन है. कॉट सीकेंट और कॉस को आप नेगेटिव लेके चलो. सो टेन एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव बाई ट्वेल्व. दिस इज योर क्वेश्चन नंबर फाइव. टेन एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव बाई ट्वेल्व. एक्स लाइज इन सेकेंड. ये सेम ही टाइप है बस मेन आपको जो वो आपके आइडेंटिटीज हैं फॉर्मूले हैं वो आपको बताऊं. 10x गिवन है तो आई कैन फाइंड आउट cot x दैट इज माइनस 12 बाय 5. अब 10 और cot हैं तो अगेन आई कैन फाइंड आउट secant एज वेल एज cosecant x. तो डायरेक्ट हम जो है इनको ले सकते हैं. यहाँ से आ जाएगा आपके पास cos x स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर x जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया. Otherwise you can do one more thing कि आप यहाँ पे tan और cot जैसे आपको given है tan से पहले ये secant निकाल लो. secant का reciprocal cos कर लो. then one minus cos square x वाला formula लगा के sin निकाल लो. तो ये वाला आपको formula नहीं लगाना पड़ेगा. that is up to you कि आप कौन से method से करना चाहते हो. so cos x square x is equal to 1 plus minus 12 by 5 whole square. that is 1 plus 1 double 4 by 25. This is 169 upon 25. So that is 13 upon 5. Cosec x आ गया हमारे पास. अब क्योंकि x second quadrant में है तो cosec we will take as positive. So this will be 13 upon 5. यहाँ आप लिखोगे x lies in second quadrant. Second quadrant में we know that cosec as well as sine are positive. तो cosec x आ गया हमारे पास 13 upon 5. यहाँ से हम secant x निकाल लेंगे. secant square x is equal to 1 plus 25 by 144. secant square x is equal to LCM ले लेंगे आप 169 by 144. so secant x is equal to, क्योंकि x second quadrant में lie कर रहा है तो your secant will be negative. secant की value आपने negative लेके चलनी है. so ये हमारे पास आ जाएगा minus 13 by 12. यहाँ आप लिखोगे x lies in second quadrant. अब सीकेंट आ गया तो यहाँ से कॉस आ जाएगा. इनको हाईलाइट कर दोगे आप. ये कॉसेक आ गया तो यहाँ से साइन. सेम रीजन यहाँ पे भी सेम रीजन. ये कॉट आ गया हमारा. सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आई होप नाउ यू कैन इजीली फाइंड आउट. यू कैन इजीली डू. आपको एक टी रेशियो गिवन है बाकी की फाइव फंक्शंस जो है वो आपको कैलकुलेट करनी है. सो दिस वाज योर एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1-5. अब कल हम डिस्कस कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 6 के टाइप वाले क्वेश्चंस हमने कल किए थे. क्वेश्चन नंबर 6 में हमें गिवन है साइन 765. तो नियरेस्ट आप पे लेके चलें 765 के पास जो नियरेस्ट 90 का मल्टीपल बनता है या 180 का हम कह सकते हैं या 360 का भी हम ले सकते हैं. So that is 720. So 765 को हम split कर लेंगे. I can rewrite this as 720 plus 45. यहाँ आपने ये ध्यान रखना है यहाँ पे जो मेरा एंगल बनेगा that will be an acute angle. That should be an acute angle. नहीं तो मुझे फिर से उसको rewrite करना पड़ेगा. तो उसके लिए हमने ये वाला एंगल जो है वो हमेशा acute लेना है. पाई बाई टू से कम लेना है. ये ध्यान. अब 720 प्लस 45 हो गया यहाँ पे. अब रीराइट करो इसको. साइन दिस इज आई कैन राइट इट डाउन एज 90 इंटू 8 प्लस 45. अब ये हो गया मेरा 90 इंटू इवन नंबर. 90 इंटू इवन नंबर पे मैंने आपको बताया था ये चेंज नहीं होता. साइन का साइन रहेगा. 90 इंटू 8 अगर मैं क्वाड्रेंट चेक करूं तो ये 360 ये 720 यहाँ आगे जीरो वाली लाइन पे. अब इसमें एंगल प्लस हो रहा है मतलब प्लस करके हम आगे फर्स्ट क्वाड्रेंट.
फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल द टी रेशियोज आर पॉजिटिव, तो ये वाला साइन भी आपका पॉजिटिव होगा, तो बाहर प्लस का साइन, और बाकी जो एंगल बच गया वो एज इट इज, यानी कि दिस इज इक्वल टू साइन 45 डिग्री, एंड साइन 45 डिग्री हमारे पास क्या होता है, 1 बाय रूट 2, तो इसकी जो हमारे पास वैल्यू आएगी दैट इज 1 बाय रूट 2. साइन पॉजिटिव लेना है क्योंकि 765 जो एंगल आपका बनेगा दैट विल बी इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल टी रेशियोज आर पॉजिटिव, तो हमने यहाँ साइन को पॉजिटिव ले लिया. 90 इंटू इवन मल्टीपल पे देयर इज नो चेंज, तो साइन का साइन आ गया. 90 इंटू ऑड मल्टीपल पे आपको मैंने बताया हुआ है साइन चेंजेस टू कॉस, टेन चेंजेस टू कॉट, एंड कोसेकेंट एंड सेकेंट चेंजेस टू कोसेकेंट टू सेकेंट एंड सेकेंट टू कोसेकेंट. तो इस तरह से ये आपने चेंजेस करने हैं. अब नेक्स्ट जो है इसमें गिवन है कॉस सेकेंट. अब देखो कल मैंने आपको करवाया था कि साइन ऑफ माइनस एक्स इज माइनस साइन एक्स, सेम वे में कॉसेक ऑफ माइनस 1410 इज माइनस कॉसेक 1410. इसको मैंने रीडाइट. अब 1410 को मुझे स्प्लिट करना है. 1410 को जब मैं स्प्लिट करूंगी तो दिस कैन बी रिटन एज 1440 माइनस 30. अब 1440 जो है दैट इज अब यहाँ पे एक चीज का हमने ध्यान रखना है कि ये जो हमारा चेंज हो रहा है, मतलब क्वाड्रेंट जो है वो हमने चेक किया. अब क्वाड्रेंट में यहाँ पे मेरे पास 1440, ये 360, या अगर मैं इसको भी लेती हूँ 90 इंटू 16, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो यानी कि फोर कंप्लीट करने पे वो 360 पे आ रहा है. या मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ 1440 जो है मेरा दैट कैन बी रिटन एज 360 इंटू 4. तो ये वन राउंड कंप्लीट हुआ 360 का, ये सेकंड कंप्लीट हुआ, थर्ड कंप्लीट हुआ, फोर्थ कंप्लीट हुआ, मैं ये जीरो वाले पे आ गई. इसमें से 30 मैं माइनस कर रही हूँ, 30 माइनस कर रही हूँ, मतलब मैं यहाँ वापस दिस क्वाड्रेंट इज फोर्थ. फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉसेक आपका क्या होता है, नेगेटिव होता है. इट मींस ये जो है मैंने जो ये लिखा है ये वाला नेगेटिव साइन, तो ये एज इट इज आ गया. इस वाले को सॉल्व करके मेरा क्या आ रहा है, माइनस कॉसेक 30. कॉसेक का कॉसेक रहा क्योंकि 19 टू इवन नंबर था. फोर्थ क्वाड्रेंट में है ये आपका एंगल, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉसेक नेगेटिव का ये वाला माइनस साइन लगा दिया, देन ये वाला एंगल एज इट इज 30 आ. अब ये हमारा बन गया माइनस इंटू माइनस प्लस कॉसेक 30. कॉसेक 30 की वैल्यू क्या होती है हमारी, 2. सो दिस इज आवर आंसर. सो आई होप दिस वन इज क्लियर. मेन जो हमने यहाँ करना है, सबसे पहला इसको रीराइट करना है स्प्लिट करके. स्प्लिटिंग इसकी इस तरीके से होनी चाहिए कि यहाँ वाला एंगल हमारा एक्यूट एंगल बने, देन चाहे हमें यहाँ प्लस कर रहे हैं जैसे इस सम में किया था, या हम माइनस कर रहे हैं जैसे इस सम में. तो फिर उसके बाद आपने चेक करना है 90 इंटू इवन नंबर है या 90 इंटू ऑड नंबर है. 90 इंटू ऑड नंबर पे ये बाहर वाला टी रेशियो चेंज नहीं होता, एज इट इज लगता है. फिर ये वाला एंगल चेक करो कौन से क्वाड्रेंट में है, जिस क्वाड्रेंट में आ रहा है अकॉर्डिंगली उस वाले टी रेशियो का साइन लगा दो. कॉसेक फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव, तो ये माइनस का साइन आ. ये 30 एज इट इज आ गया. दिस माइनस इंटू माइनस इज प्लस कॉसेक 30. कॉसेक 30 की हमने वैल्यू देखी क्योंकि जो एक्यूट एंगल्स वाली वैल्यूज हैं वो हमें सारी पता. अब नेक्स्ट है tan 19 पाई बाय 3. पाई वाले क्वेश्चंस में थोड़ा सा आप ध्यान देना. यहाँ पे मुझे गिवन है 19 पाई बाय 3 विद. तो कल भी मैंने आपको ऐसा एक क्वेश्चन करवाया था, हम क्या करेंगे इसको डिवाइड. अब यहाँ पे 1 है यानी कि 6 एंड 1 बाय 3. इट मींस कि 19 बाय 3 को मैं 6 पाई बाय 3 लिख सकती हूँ. 1 बाय 3 को जब मैं पाई से मल्टीप्लाई करूंगी तो दैट विल बी 6 पाई प्लस पाई बाय 3. ये रिमाइंडर 1 बाय 3 था, तो 6 पाई ये कंप्लीट है आपका यानी कि कोशेंट, प्लस इसमें मैंने क्या कर दिया, रिमाइंडर कर दिया. अब यहाँ ये चीज का ध्यान देना है
कि यहाँ पे रिमाइंडर जो है वो आपका 1 था, तो पाई बाई 3 आपका एक्यूट एंगल बन रहा है, तो हम इसको एज इट इज लिखेंगे, यानी कि 19 पाई बाई 3 को अगर बड़ा होता है रिमाइंडर यहाँ पे एक्यूट एंगल से बड़ा एंगल आपको दे रहा होता है, तो फिर वो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे. ये बन जाएगा मेरा 6 पाई प्लस पाई बाई 3. अब इसको आप सिंप्लीफाई करके देखें, 6 पाई प्लस पाई बाई 3 को जब आप सॉल्व करते हो, यहाँ पे 1 हो गया रिमाइंडर, एलसीएम 3 आ गया, दिस इज 6 3 आर 18 पाई प्लस पाई यानी कि 19 पाई बाई 3. ये मैंने स्प्लिट करके इस तरीके से, अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है. 6 पाई मतलब इवन नंबर है, 180 का मल्टीपल, 180 का जब कोई भी मल्टीपल है चाहे इवन है चाहे ऑड है वो हम क्या लेके चलते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि वो 19 टू इवन नंबर है, तो ये वाला जो आपका साइन है ये चेंज नहीं होगा. तो इस केस में जो है आपका क्या आएगा, जो आपका 6 पाई है ये एज इट इज आप लेके चल रहे हो 6 पाई, तो यहाँ पे मींस देयर विल बी नो चेंज, तो टेन का आपका टेन ही रहेगा जब आप इसको रीराइट. एन 6 पाई प्लस पाई बाई 3, देखो दिस इज 2 पाई, दिस इज 4 पाई, दिस इज 6 पाई. अब इसमें प्लस पाई बाई 3 किया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए, क्योंकि एक्यूट एंगल था तो 90 से अबव नहीं जाएगा, वो इसी क्वाड्रेंट पे रहेगा. तो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल द टी रेशियोज आर पॉजिटिव, मतलब ये वाला साइन आपका प्लस, तो हम लगाएं ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ेगा. एंड देन दिस एक्यूट एंगल एज, तो ये हमारा बन गया 10 पाई बाई 3, और 10 पाई बाई 3 होता है हमारा 60 डिग्री. 60 डिग्री पे हमारी वैल्यू क्या होती है, दैट इज रूट 3. तो tan of 19 pi by 3 की वैल्यू आ गई हमारे पास root 3. Now the next one. Next में हमें given है sine of minus 11 pi by 3. इसको अब ध्यान से. पहले तो sine of minus x जो है मेरा, that is minus sine x होता है, तो ये वाला minus का sine है, ये रह गया मेरे पास. अब पाई वाला है तो डिवाइड करेंगे 11 को 3, यहाँ पे 2 रिमाइंडर आ जाए. अब 2 रिमाइंडर को अगर मैं लेके चलूं तो मेरा जो है इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 3 पाई प्लस 2 पाई बाई 3. ये जो 2 पाई बाई 3 है दिस इज एन ऑब्ट्यूज एंगल, एक्यूट नहीं है. तो ऐसे केसेस में इसको एक्यूट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे बड़े नंबर से डिवाइड, माइनस 1 आ जाएगा, माइनस 1 इंटू पाई बाई 3 हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट. तो जब भी हमारा रिमाइंडर ज्यादा बचता है कि उसको लेके अगर हमारा एंगल एक्यूट नहीं बनता, जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाया था, आपने इससे बड़े वाला नंबर ले लेना है. 11 का नियरेस्ट बड़ा नंबर 12 बनता है जो हमें 3/4 पे मिलता है, तो दिस कैन बी रिटन एज 4 पाई, और रिमाइंडर नेगेटिव आ रहा है तो यहाँ पे माइनस कर दोगे पाई बाई 3. अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है 4 पाई माइनस पाई बाई 3. अब ये अगेन, अब ध्यान से 4 पाई मेरा 2 पाई एंड 4 पाई यहाँ पे बनेगा, माइनस पाई बाई 3 मतलब वापिस आ रहे हैं, तो मैं कहा आ गई फोर्थ क्वाड्रेंट. फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन इज नेगेटिव, तो ये वाला माइनस का साइन एज इट इज लेके चलना है हमने, और इसको छोड़ के अब मैं इसको अगर सिंप्लीफाई करूं तो साइन, क्योंकि 180 का मल्टीपल है, 90 इंटू इवन नंबर का मल्टीपल है, तो देयर विल बी नो चेंज, और 4 पाई माइनस पाई बाई 3 आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो ये वाले साइन के लिए नेगेटिव साइन लग जाएगा, देन एंगल आपका एस, तो ये आपका बन गया माइनस ऑफ माइनस साइन पाई बाई 3. माइनस इंटू माइनस आपका प्लस हो जाएगा, दिस इज साइन पाई बाई 3. साइन पाई बाई 3 यू नो दैट इज साइन 60 डिग्री, 60 डिग्री की आपको वैल्यू पता है रूट 3 पाई 2. साइन ऑफ माइनस 11 पाई बाई 3 की वैल्यू आ गई हमारी रूट 3 बाई 2. अब लास्ट क्वेश्चन, अगेन इसी पे बेस, ध्यान से देखना, इसी तरीके से जाएगा वो भी आपका. कॉट ऑफ माइनस 15 पाई बाई 4, कॉट ऑफ माइनस एक्स इज अगेन माइनस कॉट एक्स, ये आपका रीराइट कर लिया मैंने. अब जब मैं 15 को 4 से डिवाइड करूंगी, तो
तो ये मेरा 3π/4 साथ में ऐड होगा 3π कोशेंट इनटू पाई प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर इनटू पाई, मैंने इसको रीराइट किया। अब ये मेरा 3π/4 जो है दैट इज अगेन नॉट एन एक्यूट एंगल, ये फिर से एक्यूट एंगल नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे नियरेस्ट बड़ा वाला नंबर चलना है ताकि ये हमारा एक्यूट एंगल। अगेन हेयर वी विल बी हैविंग -1, तो यहाँ पे जो है दिस कैन बी रीरिटन एज 4 है यहाँ पे क्वेश्चन, तो 4π -1 रिमाइंडर है तो -π/4, तो 15π/4 को मैंने रीराइट कर लिया 4π -π/4। अब ये वाला माइनस का साइन एज इट इज आ गया, अब इसको मुझे चेक करना है 4π दिस इज 2π दिस इज 4π, 4π में से π/4 हम बैक आ गए, इट मींस वी आर इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में cot इज नेगेटिव। 4π है यहाँ पे, 180 का मल्टीपल है या 90 का इवन मल्टीपल है, तो cot में कोई चेंज नहीं होगा, cot विल बी रिटन एज इट इज। अब क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में है हम, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में cot ये नेगेटिव है, देन ये जो एंगल बचा वो एज इट इज ले लिया। अब ये माइनस इंट माइनस प्लस हो गया, cot π/4, cot π/4 इज 45 degree, 45 degree वी नो दैट इज इक्वल टू 1। सो ये हमारे क्वेश्चंस थे बेस्ड ऑन एंगल्स, इनमें सिर्फ आपने ये ध्यान रखना है कि आपने इन वैल्यूज को रीराइट करना है विद सम वैल्यू मल्टीपल ऑफ 90 या 180 प्लस या माइनस के साथ, एक्यूट एंगल होना चाहिए ये। अगर आपका जो है डिवाइड करने पे बड़ा नंबर बचता है, यानी कि एक्यूट एंगल से बड़ा एंगल लगता है पाई रिमाइंडर के साथ लगाने पे और डिवाइजर से डिवाइड करने पे, तो आपने उसको नेक्स्ट बड़ा नंबर जो नियरेस्ट बनता है वो ले लेना है। जैसे यहाँ पे 4π - π/3 हो जाएगा, आप यहाँ पे डिफरेंस के फॉर्म में भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप एडिशन की फॉर्म में ही दिखाओ, तो ये चीज का आपने मेन ध्यान। अब नेक्स्ट जो है हम डिस्कस कर रहे हैं, सिर्फ आज हम इनके फॉर्मूला जो है वो डिस्कस करेंगे, बाकी क्वेश्चंस इनके बेस्ड हम कल करेंगे। इसमें से जो आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला कंसेप्ट है वो हमने किया भी हुआ है। वन मोर थिंग कि इनके जो प्रूफ्स हैं वो हमने नहीं करने कि ये किस तरीके से आपके फॉर्मूले बने हैं, कैसे ये डिराइव हुए हैं, ओनली द रिजल्ट्स वी विल। सो फर्स्ट हम जो आपकी बुक में गिवन है दिस वी हैव ऑलरेडी डन, कि साइन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स एंड साइन ऑफ कॉस ऑफ माइनस एक्स इज प्लस कॉस एक्स, ये हम कर चुके हैं। इसी पे बेस्ड जो है हम कुछ और लेके चलते हैं टर्म्स। फर्स्ट जो हम इसमें फॉर्मूला करेंगे दैट इज कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, पहले साइन से साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई जब हम लेके चलते हैं तो दैट इज साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, साइन से है अगर तो साइन पहले कॉस बाद में, देन कॉस पहले साइन बाद, तो एक्स और वाई जो है दीज आर द एंगल्स, तो साइन ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, देन दूसरा एंगल कॉस के साथ ले लेंगे। यहाँ पे साइन के केस में अगर प्लस है तो यहाँ पे भी आप प्लस लगाओगे, और ये जो टर्म्स हैं टी रेशियोज हैं एंगल्स के साथ इनको इंटरचेंज कर दोगे, कॉस एक्स के साथ आ जाएगा, साइन वाई के साथ आ जाएगा। देन इसी में अगर माइनस सेम रहेगा, सिर्फ साइन आपका बीच में चेंज, देन कॉस के साथ कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई। अब कॉस के साथ यहां ध्यान रखना है, साइन में अल्टरनेट लिए थे हमने, साइन और कॉस लिया था, यहाँ पे जब प्लस का साइन है तो कॉस कॉस वाले केस में दोनों कॉस आप इकट्ठे ले लेते हो, और प्लस का साइन है तो यहाँ पे माइनस आ, बीच में माइनस ले लेते हो अगर यहाँ पे प्लस होता है, और अगर यहाँ पे माइनस होता है तो आप बीच में यहाँ क्या करोगे प्लस। सो दिस इज साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, साइन ए की ए बी की फॉर्म में भी आप ले सकते हो, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, साइन ऑफ एक्स माइनस वाई में बाकी सेम है, यहाँ नेगेटिव साइन लग जाएगा, कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई इज कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, अगर यहाँ नेगेटिव साइन है ये सेम है यहाँ पे प्लस लग जाएगा। कॉस के केस में अगर प्लस वाला फॉर्मूला है तो साइन माइनस का लगेगा,
माइनस है फॉर्मूले में, तो यहाँ साइन आपका प्लस का लगेगा। तो ये आपके फॉर्मूले हैं। देन हमने जो कॉम्प्लीमेंट्री वाला है वो किया ही हुआ है, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो दिस इज साइन एक्स। ये मैं आपको कंसेप्ट ऑलरेडी बता चुकी हूँ, 90 इंटू ऑड नंबर था, 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 90 इंटू ऑड पे कॉस आपका चेंज हो जाता है साइन में। माइनस एक्स है, पाई बाई टू माइनस एक्स इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल टी रेशियोज आर पॉजिटिव एंड देन एंगल आपका एज इट इज। तो आप चाहे ये फॉर्मूला ना भी लर्न करो, जो आपको मेथड बताया हुआ है उससे आपको ये क्लियर। सेम वे में साइन 90 माइनस एक्स दैट इज कॉस एक्स, देन अगर हम लेके चलते हैं साइन ऑफ पाई बाय टू प्लस एक्स, पाई बाय टू प्लस एक्स आपका कौन सा क्वाड्रेंट है, दिस इज द सेकेंड क्वाड्रेंट, 90 का मल्टीपल है तो साइन आपका कॉस में चेंज हो जाएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन आपका पॉजिटिव रहता है, तो यहाँ पे प्लस का साइन एंड देन एंगल एज, देन कॉस ऑफ पाई बाय टू प्लस एक्स 90 इंटू ऑड मल्टीपल, तो साइन कॉस चेंज हो गया साइन में। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस इज नेगेटिव, तो ये नेगेटिव साइन लग गया, देन एंगल एज, तो ये आ गया आपका माइनस साइन एक्स। सेम वे में अगर ये हम पाई के साथ साइन ऑफ पाई माइनस एक्स, पाई इज 90 इंटू इवन मल्टीपल, 90 इंटू इवन मल्टीपल मतलब देयर इज नो चेंज, साइन का साइन रहेगा। पाई माइनस एक्स जो है आपका दैट इज द सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन इज पॉजिटिव, तो यहाँ प्लस का साइन एक्स एज। यहाँ पे अगर कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स मुझे गिवन है, ये सारी कन्वर्जन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब कॉस 90 इंटू इवन नंबर, तो कॉस का कॉस रहेगा, नो चेंज। पाई माइनस एक्स यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस इज नेगेटिव, तो ये माइनस का साइन, देन एक्स एज ये आ गया। इसी तरीके से आप जो है बाकी भी लिख सकते हो, कॉस ऑफ सपोज मुझे गिवन है पाई प्लस एक्स, कॉस ऑफ पाई प्लस एक्स 180 प्लस एक्स यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस आपका क्या होता है माइनस होता है। 180 90 टू इवन नंबर है तो देयर इज नो चेंज, कॉस पाई प्लस एक्स माइनस हो जाएगा कॉस एक्स के साथ। सेम वे में साइन ऑफ पाई प्लस एक्स, साइन भी थर्ड क्वाड्रेंट में आपका नेगेटिव होता है, तो दिस विल बी माइनस साइन। तो यहाँ पे पाई बाय टू, पाई टू, पाई थ्री, पाई बाय टू कुछ भी आए प्लस माइनस के साथ, तो आपको कन्वर्जन्स करनी अब आती है, यू कैन डू दीज कन्वर्जन्स। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला आता है दैट इज विद टेन, बाकी इसके टू पाई प्लस एक्स, टू पाई माइनस एक्स, थ्री पाई बाय टू प्लस एक्स, थ्री पाई बाय टू माइनस एक्स वाली कन्वर्जन यू विल डू। अब नेक्स्ट जो है दैट इज टेन ऑफ एक्स प्लस वन, tan of x plus y में हमने ये ध्यान रखना है, अगर यहाँ का प्लस, यहाँ पे प्लस का साइन है तो न्यूमिरेटर में आप प्लस का साइन, आपको यहाँ से थोड़ा बहुत अगर याद आए मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर में एक फॉर्मूला करवाया था tan इनवर्स का, उसमें इस तरह का कंसेप्ट यूज हुआ था, दैट वाज tan इनवर्स a प्लस बी अपॉन वन माइनस ए बी, तो वो वाला आपका फॉर्मूला इससे डिराइव हुआ था। tan ऑफ x प्लस वाई दिस इज इक्वल टू, यहाँ प्लस है तो बीच में ऊपर प्लस लगेगा नीचे माइनस लगेगा, कभी भी ऊपर नीचे टैन के केस में साइंस सेम नहीं लगते हैं, ऊपर हमेशा ये वाला साइन आता है, अगर ऊपर प्लस आ गया तो नीचे माइनस आएगा। तो टैन ऑफ एक्स प्लस वाई यहाँ पे जो है, जब हम एक्स प्लस वाई की बात करते हैं तो एक्स प्लस वाई जो है ये जो है आपका ऑड मल्टीपल नहीं होगा पाई बाई टू का, क्योंकि टैन 90 इंटू अगर आप ऑड नंबर ले लेते हो तो वहां पे जो आपकी टैन की वैल्यू होती है वो नॉट डिफाइंड हो जाती है, इंफिनिटी आप लेके चलते हो, तो इस वजह से हम यहाँ पे ये कह देते हैं कि एक्स वाई या एक्स प्लस वाई में से कोई भी जो है आपकी वैल्यू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू नहीं होगी, देन ओनली दिस इज डिफाइंड। अगर इनमें से कोई भी जो है ऑड मल्टीपल पाई बाई टू का नहीं होगा, इट मीन्स जो ये सारी वैल्यूज आएंगी आपकी साइन एक्स, कॉस एक्स या कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई वाली जो वैल्यूज आती है वो आपकी नॉन जीरो वैल्यूज होती है। ये फॉर्मूला आपका डिराइव हुआ है साइन ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई से, बट डेरिवेशन हमने नहीं करनी है, हम डायरेक्ट रिजल्ट यूज करेंगे, टेन ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन वन माइनस टेन एक्स टेन वाई। सेम वे में अगर हमारे पास यहाँ नेगेटिव साइन है तो क्योंकि माइनस का साइन है तो न्यूमिरेटर में हम माइनस यूज करेंगे, न्यूमिरेटर में माइनस यूज हो गया तो डिनोमिनेटर में प्लस,
ये फॉर्मूले आप बच्चे बार बार लिख लिख के लर्न करोगे, नहीं तो मुश्किल लगते हैं लर्न करके। ये हो गया आपका। अगेन इस केस में भी यही चीज है कि इनमें से कोई भी एंगल जो है वो पाई बाई टू का ऑड मल्टीपल नहीं होगा। नेक्स्ट कॉट का है, ये हम लास्ट फॉर्मूला कर रहे हैं कॉट वाले, कॉट ऑफ एक्स प्लस वाई। कॉट एक्स प्लस वाई जो है वो वन अपॉन टेन का होता है, तो इसमें अब उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉट एक्स कॉट वाई माइनस वन अपॉन कॉट एक्स प्लस कॉट वाई। अगेन इसमें क्या है, एक्स वाई या एक्स प्लस वाई में से कोई भी वैल्यू जो है वो पाई का मल्टीपल नहीं है। देयर none of these values will be a multiple of pi, and here none of the values of x, y or x plus y will be an odd multiple of pi. यहाँ pi का multiple, यहाँ पे odd multiple of pi by 2. तो इन्हें signs change कर देंगे, cot x, cot y plus 1 upon cot x minus cot y. तो ये कुछ आपके जो है formulae हैं that you have to learn. आपको पता होने चाहिए, कल हम डबल एंगल वाले जो हैं इनके फॉर्मूले करेंगे। इफ एनी डाउट इज देयर फ्रॉम टुडेज लेक्चर देन यू कैन आस्क, कोई भी किसी को भी डाउट है तो यू कैन आस्क। ओके फाइन देन, इट्स गुड इफ यू आर नॉट हैविंग एनी डाउट। सो आई एम एंडिंग द मीटिंग, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।